आपने देखा कि स्थायी पूंजी पद्धति के अंतर्गत हम किस प्रकार से पूंजी खाता और चालू खाता बनाएंगे, और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के आधार पर हम किस प्रकार से परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाएंगे। जब आप इनके क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे तो आप प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे कि किस विधि के अनुसार आपको पूंजी खाता बनाना है। लेकिन सोचिए, तब हम क्या करेंगे जब प्रश्न में इस प्रकार की किसी विधि का उल्लेख ही ना हो। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसी कंडीशन में जब प्रश्न में किसी विधि का स्पष्ट उल्लेख ना हो तो हम पूंजी को परिवर्तनशील मानते हुए परिवर्तनशील पूंजी खाते के आधार पर साझेदारों के पूंजी खाते का निर्माण करेंगे। हमने यहाँ पर देखा कि स्थायी पूंजी खाते का अपना एक अलग महत्व है, उसकी दशाएं अलग है जब हम स्थायी पूंजी पद्धति के आधार पर पूंजी खाता बनाते हैं, और परिवर्तनशील पूंजी खाते की दशाएं कुछ अलग है जब हमको परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाना अनिवार्य हो जाता है। हमने देखा कि इसके अंतर्गत हम जिन टॉपिक को लिख रहे हैं, जिन मदों को लिख रहे हैं, वो भी लगभग एक जैसे दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी जब हम क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे तो हम देखेंगे कि इन दोनों खातों में काफ़ी अंतर है। आइए, स्थायी पद्धति से पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से पूंजी खाते में क्या अंतर है, इस पर एक नज़र डालें। स्थायी एवं परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर। पहला, अंतर का आधार शेष। स्थायी पूंजी खाते का शेष हमेशा क्रेडिट ही रहता है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते का शेष कभी कभी डेबिट भी हो सकता है। दूसरा, मदों के आधार पर। स्थायी पूंजी खाते में केवल पूंजी का ही लेखा किया जाता है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते में पूंजी के अलावा वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, लाभ, आहरण आदि का लेखा भी किया जाता है। तीसरा, स्थिरता के आधार पर। स्थायी पूंजी खाते में पूंजी हमेशा स्थिर ही रहती है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते में पूंजी हमेशा परिवर्तित होती रहती है। चौथा, चालू खाते के आधार पर। स्थायी पूंजी पद्धति में चालू खाता खोला जाता है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में चालू खाता नहीं खोला जाता है। पांचवा, खातों की संख्या के आधार पर। स्थायी पूंजी खाते में सभी व्यवहारों के लिए पूंजी खाता एवं एक चालू खाता बनाया जाता है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते में सभी व्यवहारों के लिए केवल एक पूंजी खाता ही बनाया जाता है। अब साझेदारी फॉर्म में बनाए जाने वाले महत्वपूर्ण खातों के इन्हीं क्रम में हम देखेंगे कि साझेदारों का ऋण खाता क्या है। हमने देखा कि एक साझेदारी फॉर्म के सुव्यवस्थित संचालन के लिए जितने भी साझेदार होते हैं वो मिलकर पूंजी लगाते हैं। ये भी हमने देखा कि ये जरूरी नहीं है कि सभी साझेदार पूंजी लगाएं। हो सकता है कुछ साझेदारों ने पूंजी लगाई हो, कुछ साझेदारों ने अपनी भूमि दी हो प्रयोग के लिए, या कुछ प्रबंधकीय कार्य कर रहे हों। लेकिन इनमें से ही कुछ साझेदार ऐसे होते हैं जो फर्म को किसी कारणवश ऋण प्रदान करते हैं। ऐसी कंडीशन में जब साझेदार फर्म को ऋण देते हैं तो फर्म उनको एक निश्चित प्रतिशत पर ब्याज भी देती है। तो किसी साझेदार ने कब और कितना ऋण फर्म को दिया और फर्म ने उस ऋण पर कितना ब्याज उस साझेदार को दिया, इसका पूरा का पूरा हिसाब किताब रखा जाना जरूरी होता है। इसी हिसाब किताब को रखने के लिए साझेदारों का ऋण खाता बनाया जाता है। और हम यहाँ पर जब साझेदारों का ऋण खाता बनाते हैं तो ऋण की जो राशि रहती है उसको हम क्रेडिट पक्ष में लिख देते हैं, क्योंकि फर्म को ये प्राप्त होती है राशि। और जब इस ऋण का भुगतान कर दिया जाता है तो फिर वापस इस राशि को डेबिट में कर देते हैं। और लाभ हानि नियोजन खाते में हम इसकी पूरी की पूरी एंट्री करते रहते हैं कि कितना ऋण दिया गया, उस पर जो भी ब्याज की राशि है उसको हम वहाँ पर लिख देते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें कि इनमें किस किस तरह के हम कैलकुलेशन करते हैं, तो एक सबसे महत्वपूर्ण कैलकुलेशन जो
हमारे क्रियात्मक प्रश्नों के दौरान हमको करना होगा वो है पूंजी पर ब्याज। हमने देखा कि एक फर्म में, साझेदारी फर्म में कुछ साझेदार ऐसे होते हैं जो फर्म को अतिरिक्त पूंजी देते हैं किसी कारणवश। ये फर्म को जो अतिरिक्त पूंजी मिलती है उससे फर्म को काफ़ी लाभ होता है। हो सकता है वो किसी प्रकार के स्थायी या अस्थायी संपत्ति के क्रय के लिए प्रयोग में लाई जा रही हो, और क्योंकि उन संपत्तियों को क्रय करके व्यापार में नियोजित करने के बाद फर्म को कोई ना कोई लाभ तो होगा ही। तो इन सब कारणों की वजह से जो भी अतिरिक्त पूंजी फर्म को मिलती है उस पर अतिरिक्त पूंजी लगाने वाले साझेदार को ब्याज भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर जब साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो उसकी एक प्रॉपर कैलकुलेशन भी की जाती है। आइए देखते हैं कि पूंजी पर ब्याज की गणना हम किस प्रकार करेंगे। फर्म के पुस्तकों में लाभ हानि नियोजन खाता, साझेदारों के पूंजी खाता बनाने के निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाती हैं। पहला, साझेदारों के द्वारा नगद पूंजी लाने पर रोकड़ खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी खाता से, साझेदारों द्वारा नगद पूंजी लाई गई। दूसरा, साझेदारों द्वारा संपत्ति तथा स्टॉक के रूप में पूंजी लाने पर संपत्ति खाता डेबिट स्कंद खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी खाता से, साझेदारों द्वारा माल एवं संपत्ति लाई गई। तीसरा, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देने पर पूंजी पर ब्याज खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी खाता से पूंजी पर ब्याज लगाया। चौथा, साझेदारों को वेतन कमीशन आदि देने पर साझेदारों का वेतन कमीशन खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी खाते से वेतन एवं कमीशन लगाया। पांचवा, साझेदारों द्वारा नगद आहरण करने पर साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट रोकड़ खाता से साझेदारों द्वारा राशि निकाली गई। छठवा, साझेदारों द्वारा निजी उपयोग हेतु माल निकालने पर साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट क्रय खाता से साझेदारों द्वारा निजी उपयोग हेतु माल निकाला गया। सातवां, आहरण पर ब्याज लगाने पर साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट आहरण पर ब्याज खाता से आहरण पर ब्याज लगाया गया। आठवां, साझेदारों के मध्य लाभ का वितरण करने पर लाभ हानि खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी खाते से साझेदारों के मध्य लाभ का विभाजन। नौवां, साझेदारों के मध्य हानि का वितरण करने पर साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट लाभ हानि खाता से साझेदारों के मध्य हानि का विभाजन करने पर साझेदारों से फर्म को ऋण प्राप्त होने पर रोकड़ खाता डेबिट साझेदारों के ऋण खाता से फर्म को ऋण प्राप्त। ग्यारहवा, साझेदारों से प्राप्त ऋण पर ब्याज देने पर ब्याज खाता डेबिट रोकड़ खाता से ऋण पर ब्याज दिया। पूंजी पर ब्याज की गणना करने के लिए हम सबसे पहले प्रारंभिक पूंजी की गणना कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रारंभिक पूंजी की गणना किस प्रकार की जाएगी। प्रारंभिक पूंजी की गणना यानी ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए हम पूरा का पूरा एक प्रारूप निर्धारित कर देते हैं, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल देखते हैं, अंतिम पूंजी क्या थी फर्म की लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, और उसकी एंट्री हम यहाँ करते हैं, और इसमें हम जोड़ देते हैं आहरण को और घटा देते हैं हम यहाँ पर लाभ की राशि को। इसके बाद हमको जो राशि प्राप्त होती है वो यहाँ पर कहलाती है प्रारंभिक पूंजी यानी कि ओपनिंग कैपिटल, और फिर इसी ओपनिंग कैपिटल पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज की गणना करते हैं। जिस तरह से हम पूंजी पर ब्याज की गणना करते हैं उसी तरह हमको आहरण पर भी ब्याज की गणना करनी होती है।
यहाँ पर जब हम आहरण पर ब्याज की बात करते हैं तो कई बार हम क्रियात्मक प्रश्नों के दौरान भी देखेंगे कि आहरण की जो समयावधि होती है या तिथि होती है वो अलग अलग होती है। कई बार माह के प्रारंभ में ही आहरण कर लिया जाता है, कई बार मध्य में किया जाता है, कई बार अंत में किया जाता है, यानी जब मंथ क्लोज हो रहा हो उस समय किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा आहरण पर ब्याज की कैलकुलेशन में हम कंफ्यूज होते हैं। तो किसी भी माह के अलग अलग दिनों में आहरण करने पर आहरण पर ब्याज की जो गणना होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर ये आहरण किसी भी माह के पहले दिन किया गया है तो यहाँ पर हम जब आहरण पर ब्याज की कैलकुलेशन करेंगे तो वो 6.5 माह की अवधि के लिए करेंगे। लेकिन यही आहरण अगर किसी माह के अंतिम दिन किया गया है तो यहाँ पर हम आहरण के ब्याज की कैलकुलेशन 5.5 माह की अवधि के लिए करेंगे। और अगर बीच में किसी भी दिन किया गया है तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ हम आहरण पर ब्याज की कैलकुलेशन 6 माह के लिए करेंगे। तो जब हम आहरण पर ब्याज संबंधी क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे तो यहाँ ये जान लेना, इस बात को देख लेना बहुत जरूरी होगा कि आहरण की जाने की तिथि क्या है। अब वैसे ही कई बार ये जो आहरण की राशि होती है ये प्रत्येक तिमाही में होती है, यानी 3-3 महीने के बाद वर्ष भर में आहरण किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में भी आहरण पर ब्याज की गणना में कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि तिमाही के प्रथम दिन ही अगर आहरण कर लिया जाता है तो ऐसी कंडीशन पर पूरे 1 वर्ष के लिए यहाँ हम 7.5 माह की अवधि का ब्याज कैलकुलेट करते हैं। और दूसरी कंडीशन की अगर तिमाही के अंत में किया जाता है तो यहाँ हम ब्याज की कैलकुलेशन 4.5 माह की अवधि के लिए करते हैं। तो विशेष रूप से आहरण पर ब्याज की कैलकुलेशन के लिए तिथियों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। और साथ में हमको ये बात भी देखना है कि कई बार अलग अलग समय पर अलग अलग राशियों का आहरण किया जाता है। ऐसी कंडीशन में हमको ये ध्यान में रखना होता है कि ये कितने मंथ कितने महीने के लिए आहरण की राशि निकाली गई है। और यहाँ पर क्योंकि ये थोड़ा सा अलग होता है, हमेशा अलग अलग तिथियों पर अलग अलग राशि, यानी कि माह भी अलग होते हैं, समय अलग होता है और अमाउंट जो होती है, राशि जो होती है वो भी अलग होती है। तो यहाँ हमको कैलकुलेशन करने के लिए गुणनफल विधि का प्रयोग करना पड़ता है। और बहुत आसानी से हम केवल एक फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए गुणनफल विधि से आहरण पर ब्याज की राशि की कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ हम आहरण पर ब्याज की कैलकुलेशन के लिए किस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं? आहरण पर ब्याज बराबर गुणनफलों का योग गुणित दर बटे समय गुणित 1/12, क्योंकि हम कुछ निश्चित माह के लिए इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आपने देखा कि पूंजी पर ब्याज के साथ साथ आहरण पर ब्याज की गणना के भी कुछ अलग अलग स्थितियाँ होती हैं, अलग अलग कैलकुलेशन होते हैं। जब हम बड़े क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे तो इन्हीं छोटे छोटे कैलकुलेशन के द्वारा हम अपने पूंजी खातों का निर्माण या बैलेंस शीट का निर्माण आगे चलकर करेंगे। तो क्योंकि इस तरह के कैलकुलेशन हम बहुत अच्छे से आ जाने हमको जरूरी होते हैं, तो आइए पूंजी पर ब्याज की गणना के साथ साथ आहरण पर ब्याज की गणना और उससे संबंधित कुछ छोटे क्रियात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। जय विजय और संजय साझेदार हैं। जो लाभ हानि को 2:1:1 के अनुपात में बांटते हैं उनकी पूंजी क्रमशः 28,800 रुपए, 19,200 रुपए एवं 14,400 रुपए है। साझेदारों को पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। संजय को 7,200 रुपए वेतन दिया जाता है। विजय को सकल बिक्री पर 3% कमीशन मिलता है। फर्म का लाभ 27,600 रुपए है। सकल विक्रय 3,36,000 रुपए है। उनके आहरणों पर ब्याज क्रमशः 192 रुपए एवं 240 रुपए तथा 288 रुपए था। लाभ हानि वितरण खाता बनाइए। इस प्रश्न में हमको लाभ हानि वितरण खाता यानी लाभ हानि नियोजन खाता
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। जिस तरह से हमने लाभ हानि नियोजन खाते के फॉर्मेट को देखा, उसके आधार पर हम यहाँ पर चार कॉलम बना लेंगे, दो डेबिट साइड के और दो क्रेडिट साइड के। डेबिट साइड के दो कॉलम में हम विवरण और राशि यानी पर्टिकुलर और अमाउंट लिखेंगे, और वैसे ही क्रेडिट साइड में भी हम पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम बना लेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो लाभ हानि नियोजन खाता है उसका शेष क्या है। तो प्रश्न में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि फर्म का लाभ 27,600 रुपए है। तो सबसे पहले हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्योंकि ये लाभ है, प्रॉफिट है, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 27,600। उसके बाद जिस तरह से हमने इसका फॉर्मेट देखा था, क्रम से हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रश्न में दिया गया है कि ब्याज 5% दिया जाएगा पूंजी पर, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जय 28,800 रुपए की पूंजी लाया है, उस पर हम 5% ब्याज देंगे, यानी ये हो जाएगा 1,440। विजय, जिसने 19,200 रुपए की पूंजी लाई है, उस पर अगर हम 5% ब्याज देते हैं तो ये हो जाएगा 960। और संजय, जिसने 14,400 रुपए की पूंजी लाई है, इस पर अगर हम 5% ब्याज देंगे तो ये आ जाएगा 720। और टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज की रकम है 3,120, ये हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद जैसे कि हमने फॉर्मेट में देखा था, हम प्रश्न में चेक कर लेंगे कि क्या किसी साझेदार को कोई वेतन या कमीशन दिया गया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि संजय को 7,200 रुपए वेतन दिया गया है, तो यहाँ हम डेबिट साइड में लिख देंगे वेतन खाता से, और ब्रैकेट में हम संजय का नाम लिख देंगे, या फिर हम लिख देंगे संजय के वेतन खाता से, टू सैलरी टू संजय 7,200 से हम इसकी एंट्री कर देंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि विजय को कमीशन दिया गया है। किस पर कमीशन दिया गया है? सकल बिक्री पर 3% कमीशन, और सकल विक्रय क्वेश्चन में दिया गया है 3,36,000। इस पर हम 3% कमीशन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10,080 रुपए, जिसको कि हम डेबिट साइड में लिख देंगे टू कमीशन टू विजय, विजय के कमीशन खाता से 10,080 रुपए। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर आहरण पर ब्याज भी बताया गया है तीनों ही साझेदारों का। तो हमने देखा फॉर्मेट में कि आहरण पर ब्याज हम क्रेडिट में लिखते हैं, क्योंकि हमारी जनरल एंट्री यहाँ पर क्या होती है, आहरण पर ब्याज खाता डेबिट लाभ हानि नियोजन खाता से। तो इसलिए हम लाभ हानि नियोजन खाता के क्रेडिट में लिखेंगे आहरण पर ब्याज खाता को बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन करके दे दी गई है तो हमको कैलकुलेशन कुछ करनी नहीं है। यहाँ पे जय के हिस्से का जो ब्याज है वो है 192 रुपए, विजय के हिस्से का जो ब्याज है वो है 240 रुपए, और संजय के हिस्से का जो ब्याज है वो है 288 रुपए, यानी कुल मिलाकर 720 रुपए जो ब्याज की राशि है उसको हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। प्रश्न में जो भी इंफॉर्मेशन जितनी भी दी गई थी सब हमने लिख ली जहां जहां पे हमको लिखना था। अब हम बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो डेबिट साइड से ज्यादा दिख रहा है, तो पहले हम क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं 27,600, और प्लस कर देते हैं इसमें 720, यानी ये हो जाता है 28,320। इसमें से हम माइनस कर देते हैं 3,120, 7,200, 10,080, तो ये हमको बैलेंस मिलता है यहाँ पर 7,920, जिसको कि हम जय, विजय और संजय के खाते में स्थानांतरित कर देंगे। किस अनुपात में? जो कि प्रश्न में लाभ हानि अनुपात दिया गया है उस अनुपात में। तो 7,920 को जब हम 2:1:1 में बांटेंगे तो जय को प्राप्त होगा 3,960, विजय को प्राप्त होगा 1,980, और संजय को प्राप्त होगा 1,980। इस प्रकार से हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लाभ हानि नियोजन खाता
बनकर तैयार हो जाएगा। सलोनी एवं सृष्टि एक फर्म में साझेदार हैं। उनका पूंजी खाता 1 अप्रैल 2005 को क्रमशः 2 लाख रुपए तथा 3 लाख रुपए का शेष दर्शाता है। 1 जुलाई 2005 को सलोनी ने 50,000 रुपए अतिरिक्त पूंजी और सृष्टि ने 60,000 रुपए अतिरिक्त पूंजी लगाई। अपने निजी उपयोग हेतु सलोनी ने 1 अक्टूबर 2005 को 30,000 रुपए तथा सृष्टि ने 1 जनवरी 2006 को 15,000 रुपए का आहरण किया। 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान दोनों साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। यहाँ पर क्योंकि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो जैसे कि हमने देखा, सबसे पहले हम दोनों पार्टनर के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। तो सलोनी के लिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो प्रारंभिक पूंजी इनकी थी 1 अप्रैल 2005 को जो 2 लाख रुपए सलोनी के द्वारा लाया गया, उस पे हम कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट की। तो यहाँ पर क्योंकि लास्ट में दिया गया है कि 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाया जाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन 2 लाख फॉर फुल ईयर, क्योंकि सलोनी ने 2 लाख रुपए लाया है 1 अप्रैल को, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे 1 साल के लिए हमको इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 2 लाख × 8/100 = 16,000। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो इसने बीच में कैपिटल लाई है 1 जुलाई 2005 को 50,000। तो क्योंकि ये जो कैपिटल है ये 1 जुलाई को आई है और हमको बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना है 31 मार्च को, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी 9 मंथ तक ये कैपिटल थी फॉर्म में, तो इसमें हमको इंटरेस्ट केवल 9 मंथ के लिए ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे 50,000 × 8/100 × 9/12, क्योंकि हम 9 मंथ के लिए ही इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 3,000, टोटल ये हो जाता है 19,000। और फिर क्योंकि इसमें एक ड्रॉइंग भी दिया गया है यहाँ पे कि उसने निजी उपयोग हेतु 1 अक्टूबर 2005 को 30,000 रुपीज जो है वो विड्रॉल कर लिया, तो इस 30,000 पे जो 8% हम इंटरेस्ट लगाएंगे 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के लिए हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि वो 1 अक्टूबर है, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक हम देख रहे हैं कि 6 मंथ होते हैं, तो 30,000 का 6 मंथ का 8% हम कैलकुलेट करेंगे 30,000 × 8/100 × 6/12 = 1200। इसको हम माइनस कर देंगे तो टोटल ये हमारा जो बैलेंस यहाँ पर आता है ये हो जाता है 17,800। अब बिल्कुल ऐसी ही कैलकुलेशन जो है वो हम सृष्टि के लिए कर लेंगे। सृष्टि ने कैपिटल लाई है 3 लाख और क्योंकि 1 अप्रैल को लाई है, तो अप्रैल टू 31 मार्च ये हमारे फॉर्म में रहेगा 1 ईयर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 3 लाख का 8% जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 लाख × 8/100 = 24,000। और फिर उसने बीच में 60,000 1 जुलाई 2005 को 60,000 और एडिशनल कैपिटल लाई है, तो क्योंकि ये 1 जुलाई को लाया है इसने और ये जो कैपिटल है ये फॉर्म में अब तक 9 मंथ रही, तो इस पे हम 8% इंटरेस्ट 9 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 60,000 × 8/100 × 9/12 यानी 3,600। ये टोटल अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है 27,600। और क्योंकि इसने भी एक विड्रॉल किया हुआ है 15,000 का 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से अगर हम इसकी कैलकुलेशन 31 मार्च तक करते हैं तो ये सिर्फ 3 महीना ये जो अमाउंट थी उस पर हमको जो इंटरेस्ट है वो चार्ज करना है, तो 15,000 का हम 3 मंथ का 8% जो इंटरेस्ट है वो चार्ज करेंगे, तो ये हो जाएगा 15,000 × 8/100 × 3/12 = 300। और अगर हम 27,600 में से इसको माइनस कर देते हैं तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा वो आएगा 27,000।
300। तो इस प्रकार हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर लेंगे। तनिष्क अपने निजी उपयोग के लिए 31 मार्च 2008 को वर्ष की समाप्ति के दौरान प्रति माह 20,000 रुपए का आहरण करता है। इन आहरणों पर 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया जाता है। तो विभिन्न स्थितियों में ब्याज की गणना कीजिए। अ, जब आहरण माह के पहले दिन किया जाए। ब, जब आहरण माह के अंतिम दिन किया जाए। और स, जब आहरण माह के मध्य में किया जाए। जैसे कि हमने देखा कि जब भी आहरण माह के पहले दिन किया जाता है तो ऐसी अवधि में जो ब्याज है वो 6.5 माह का लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे, औसत अवधि बराबर कुल अवधि महीनों में प्लस 1/2 इक्वल टू, यहाँ पे क्योंकि कुल अवधि जो होती है माह की वो 12 होती है और उसमें हम 1 प्लस कर देंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यानी यहाँ हम औसत अवधि 6.5 माह की कैलकुलेट कर लेंगे जैसे कि हमने वीडियो में देखा था। अब जब हम यहाँ पे ब्याज की कैलकुलेशन करेंगे तो प्रश्न में क्योंकि स्पष्ट रूप से दे दिया गया है कि 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाया जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे आहरण पर ब्याज बराबर 240,000 गुणित 8/100 गुणित 13/2 गुणित 1/12। और यहाँ हम 10,400 रुपए आहरण पर ब्याज की कैलकुलेशन कर लेंगे। सेकंड कंडीशन में जब आहरण माह के अंतिम दिन किया जाता है, तो जैसे कि हमने वीडियो में देखा था कि अगर माह के अंतिम दिन आहरण किया जाएगा तो 5.5 माह की अवधि का जो ब्याज है वो लगेगा, क्योंकि इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला औसत अवधि बराबर कुल अवधि महीनों में माइनस 1/2, यानी 12 - 1/2 बराबर 11/2, यानी 5.5 माह की अवधि की कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे। आहरण पर ब्याज बराबर 240,000 गुणित 8/100 गुणित 11/2 गुणित 1/12 बराबर 8,800, यहाँ पर हम आहरण पर ब्याज की कैलकुलेशन कर लेंगे। तीसरी कंडीशन में हम देख रहे हैं जब आहरण माह के मध्य में किया जाए। ऐसी कंडीशन में हमने देखा था कि आहरण पर ब्याज 6 महीने का लगाया जाएगा क्योंकि कुल अवधि को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 6 माह का ब्याज हम कैलकुलेट करेंगे। तो आहरण पर ब्याज यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे 240,000 के लिए 8% 6 माह का, तो 9,600 रुपए हमको आहरण पर ब्याज प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे जब हर तिमाही में स्थिर रकम निकाली जाए। तरन्या और तनिष्क एक फर्म में साझेदार हैं और लाभ हानि बराबर बराबर बांटते हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान तरन्या ने प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ एवं अंत में 20,000 रुपए आहरित किए और इन आहरणों पर 8% प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज लगाया जाता है। तो ब्याज की रकम की गणना कीजिए। पहला, जब रकम प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में निकाली जाती है, जब अलग अलग रकम भिन्न भिन्न समय पर निकाली जाती हो। शिवम और शुभी साझेदार हैं। वर्ष के दौरान शिवम द्वारा निम्न तिथियों में निम्न प्रकार रकम निकाली गई। यदि आहरण पर 7% की दर से ब्याज लगाया गया हो तो गुणनफल विधि द्वारा ब्याज की गणना कीजिए। तिथि 1 अप्रैल 2010, रकम 8,000 रुपए। तिथि 30 जून 2010, रकम 7,500 रुपए। तिथि 31 अक्टूबर 2010, रकम 5,000 रुपए। 31 दिसंबर 2010, 7,000 रुपए। 1 मार्च 2011, 5,500 रुपए। इस प्रश्न में हमको आहरण पर ब्याज की गणना उस कंडीशन में करनी है जबकि अलग अलग रकम
अलग अलग समय पर निकाला जाए। तो यहाँ पर जैसे कि हमने वीडियो में देखा था, क्योंकि हमको यहाँ पर गुणनफल विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में हमको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि चार कॉलम हम यहाँ पर बनाएंगे। एक में तिथि हम लिखेंगे, एक में रकम लिखेंगे, एक में अवधि लिखेंगे और एक में गुणनफल लिखेंगे। तो तिथि हो जाएगी 1 अप्रैल 2010, जैसे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हैं, और रकम में 8000 लिखेंगे। फिर 30 जून 2010 और रकम में हम 7500 लिखेंगे। 31 अक्टूबर 2010 को रकम हम लिखेंगे यहाँ पर 5000 रुपये। 31 दिसंबर 2010 को 7000 रुपये और 1 मार्च 2011 को 5500 रुपये। अवधि हम कैलकुलेट कर लें थर्ड कॉलम के लिए। तो पहले जो रकम निकाली गई, क्योंकि वो 1 अप्रैल 2010 को निकाली गई, तो 31 मार्च 2011 तक ये पूरे 12 माह की अवधि का ब्याज इस पर निकलेगा। और सेकेंड जो 30 जून 2010 को निकाली गई रकम है, अगर हम उसको 1 जुलाई से 31 मार्च तक कैलकुलेट करें, तो अब देख रहे हैं यहाँ पे कि 9 माह की अवधि का वो ब्याज निकलेगा। थर्ड जो आहरण किया गया है वो 31 अक्टूबर 2010 को किया गया है, तो 1 नवंबर 2010 से 31 मार्च 2011 तक हम इसकी कैलकुलेशन करें, तो 5 माह का ब्याज इसमें निकलेगा। वैसे ही फोर्थ में 31 दिसंबर 2010 को आहरण किया गया, तो हम 1 जनवरी से अगर ब्याज कैलकुलेट करें तो 3 माह का ब्याज हमको 31 मार्च तक इसमें मिलेगा। और 1 मार्च को जो आहरण किया गया है उसमें पूरे 1 मार्च भर का जो महीना है 31 मार्च तक का, यानी कि 1 माह का ब्याज हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। अब क्योंकि हमने देखा गुणनफल जो विधि है उससे हम बहुत आसानी से एक फॉर्मूला लगा के ब्याज यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम गुणनफल कर लें, उसके बाद गुणनफल का हम योग करेंगे। तो सबसे पहले हम गुणनफल करते हैं, 8000 × 12 96000, 7500 × 9 67500, 5000 × 5 25000, 7000 × 3 21000, 5500 × 1 5500। अब क्योंकि हमको फॉर्मूले के लिए गुणनफल का योग चाहिए, तो ये हो जाएगा 215000 इसका टोटल। और अब हम इसको फॉर्मूले में यूज कर लें, आहरण पर ब्याज बराबर गुणनफल का योग गुणित दर बटे 100 गुणित 1/12। 215000 गुणित 7/100 गुणित 1/12 बराबर 1254 रुपये लगभग। राम, मोहन एवं गोपाल एक फर्म में साझेदार हैं, जो लाभ हानि 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 50000, 30000 और 20000 रुपये है। साझेदारी संलेख के अनुसार उन्हें पूंजी पर 6% ब्याज पाने का अधिकार है। गोपाल को 5000 रुपये वेतन का अधिकार है। प्रत्येक साझेदार द्वारा 6000 रुपये निजी प्रयोग हेतु निकाला गया। इसके अलावा मोहन द्वारा 2000 रुपये का माल भी निजी उपयोग हेतु निकाला गया। वर्ष का लाभ ब्याज वेतन एवं माल का लेखा करने से पूर्व 60000 रुपये था। लाभ हानि नियोजन खाता एवं साझेदारों के चालू खाते बनाए। इस प्रश्न में हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है, जिसके लिए हम फॉर्मेट यूज करेंगे 4 कॉलम का, जिसमें डेबिट के 2 कॉलम होंगे पर्टिकुलर अमाउंट और क्रेडिट के 2 कॉलम होंगे पर्टिकुलर अमाउंट। जैसे कि हमने वीडियो में देखा और एक पहले जो हम क्वेश्चन बनाया है उसमें भी हम देख चुके हैं कि सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्या है। तो यहाँ पर ये बैलेंस यानी कि शेष दिया गया है वर्ष का लाभ, क्योंकि ये लाभ है इसलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिख लेंगे। बाय बैलेंस बीडी 60000, यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन 60000। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि कैपिटल पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्या है। तो यहाँ क्योंकि दिया गया है कि साझेदारी संलेख के अनुसार
उन्हें पूंजी पर 6% ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। तो यहाँ सबसे पहले हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और तीन जो साझेदार हैं उन पर हम कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो राम जो कि 50,000 जिसकी कैपिटल है उस पे 6% यानी 3,000, मोहन जिसकी कैपिटल 30,000 है उस पे 6% यानी कि 1,800, और गोपाल जो कि 20,000 जिसकी कैपिटल है उस पे हम 6% कैलकुलेट कर लेंगे तो 1,200, यानी कि टोटल 6,000 ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाता है। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या किसी साझेदार को कोई कमीशन या वेतन कुछ मिला है। तो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि गोपाल को 5,000 रुपए वेतन पाने का अधिकार है, तो ये हम डेबिट साइड में लिख देंगे टू गोपाल सैलरी 5,000। फिर हम देख लेंगे कि कहीं और कोई खर्च, कोई व्यय, कोई वेतन या कमीशन तो नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम यहाँ पर एक चीज हमको दिख रही है कि साझेदारों ने कुछ विड्रॉल किया है। यहाँ प्रत्येक साझेदार द्वारा 6,000 रुपए निजी प्रयोग के लिए निकाले गए, तो ये आहरण है, लेकिन हमको यहाँ पर जो प्रविष्टि करनी होती है वो आहरण पर ब्याज की करनी होती है, या फिर अगर गुड्स को विड्रॉल किया गया है तो उसकी हमको प्रविष्टि करनी होती है। तो यहाँ पे क्योंकि मोहन ने 2,000 रुपए का माल निजी उपयोग के लिए निकाला है, तो इसकी एंट्री हम कर देंगे क्रेडिट साइड में बाय ड्रॉइंग ऑफ गुड्स 2,000, जैसे कि हमने जनरल एंट्री में देखा था, यहाँ हम क्रेडिट साइड में 2,000 की एंट्री कर देंगे। और अब हम इसको यहाँ पर क्लोज करेंगे। तो क्रेडिट साइड का हम टोटल देख रहे हैं कि दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से कि ज्यादा है, तो यहाँ पर हम 62,000 हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल है इसका, और इसमें हम डेबिट के टोटल को माइनस करेंगे यानी 5,000 और 6,000 को हम इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ हमारा बैलेंस हमको मिलेगा 51,000। और इस 51,000 को हम तीनों पार्टनर में बांटेंगे 3:2:1 जो कि क्वेश्चन में दिया गया है इस अनुपात में। तो जब हम तीनों पार्टनर में 51,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो राम को मिलेगा 25,500, मोहन को मिलेगा 17,000, गोपाल को मिलेगा 8,500। तो ये टोटल फिर हम इसका आउटर कॉलम में लिख देंगे 51,000, और टोटल जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का वो 62,000 हमको मिल जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर एक हमको करंट अकाउंट भी बनाना है, क्योंकि स्पष्ट रूप से दे दिया है कि करंट अकाउंट बनाइए। कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि अगर कैपिटल अकाउंट दिया है तो हमको कौन सा कैपिटल अकाउंट बनाना है। अगर क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दे दिया जाता है कि कैपिटल फिक्स है तो हम कैपिटल और करंट दोनों बनाते हैं। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हमको वहां पे फ्लक्चुएटिंग मान के फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ही कैपिटल अकाउंट बनाना है। लेकिन फिलहाल इस प्रश्न में क्योंकि स्पष्ट कर दिया गया है कि करंट अकाउंट बनाना है, तो चलिए करंट अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो ये है नहीं, तो इनके द्वारा लाए गए कैपिटल की एंट्री हम यहाँ पर कर नहीं सकते हैं। अब हमको ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है इसी को हमको क्रॉस ट्रांसफर करना होता है, ओवरऑल हमको क्रॉस ट्रांसफर ही करना होता है। वैसे अगर हम चाहें तो जनरल एंट्री बेस पे भी इसमें ट्रांसफर करते हैं, लेकिन 2-4 क्वेश्चन बनाने के बाद, प्रैक्टिस के बाद हम फिर समझ जाते हैं कि किस तरह से हमको इसमें एंट्रीज ट्रांसफर करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले दिया गया है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इसको हम लिख लेंगे क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और राम के हिस्से में हम लिख लेंगे 3,000, मोहन के हिस्से में हम लिख लेंगे 1,800, और गोपाल के हिस्से में हम लिख लेंगे 1,200। उसके बाद गोपाल की सैलरी दी गई है, उसको हम लिख लेंगे क्रेडिट साइड में बाय सैलरी, और गोपाल के हिस्से में हम 5,000 डाल देंगे। और कोई मद यहाँ पर लिखने हेतु दिख नहीं रही है, बैलेंस जो है वो हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है जो कि हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है, तो वो हम लिख देंगे क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,500, 17,000, 8,500। अब क्योंकि डेबिट साइड में हमको एक चीज यहाँ पर मालूम थी कि सभी साझेदारों ने 6,000 जो है वो विड्रॉल किया है,
तो इसके जो फॉर्मेट जो है और जो जनरल एंट्री है उसके बेस पे हम सबसे पहले यहाँ पर हम ड्रॉविंग लिख लेंगे पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। ड्रॉइंग 6,000 राम, 6,000 मोहन और 6,000 गोपाल का अकाउंट में। एक चीज हमको यहाँ पर नई दिखी है कि उसने जो है गुड्स का विड्रॉल किया है। किसने? मोहन ने। तो जो परचेस हमने किया था गुड्स, उसमें से 2,000 का गुड्स कम हो गया है, तो उसको हम फिर उसके अपोजिट एंट्री हमको करनी पड़ेगी, इसलिए हम उसको मोहन के अकाउंट में यहाँ पर डेबिट साइड में लिखेंगे टू परचेस, और मोहन के अकाउंट में हम 2,000 से उसकी एंट्री कर देंगे। और इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन हमको करंट अकाउंट में लिखने लायक यहाँ पर दिख नहीं रही है, तो करंट अकाउंट को हम यहीं पे क्लोज कर देंगे। तो राम के हिस्से में हम देख रहे हैं कि डेबिट टोटल हमको यहाँ पे ज्यादा शो हो रहा है 28,500। इसमें से हम राम का जो डेबिट है 6,000 वो माइनस कर देंगे, तो राम के हिस्से में हमको बैलेंस दिख रहा है 22,500। मोहन का जो क्रेडिट टोटल है वो भी अधिक दिख रहा है हमको 18,800। इसमें से हम मोहन का जो डेबिट टोटल है 6 + 2 = 8,000 वो माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10,800। और गोपाल के हिस्से में जो 14,700 टोटल है उसमें से हम 6,000 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8,700। तो ये टोटल हम कर लेंगे इनका, और इस तरह से हम बैलेंस निकालने के बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज कर देंगे। राखी और शिखा क्रमशः 2 लाख रुपए एवं 3 लाख रुपए की पूंजी लगाकर साझेदार बनते हैं। वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर लाभ 23,200 रुपए होता है। उनके साझेदारी समझौते के अनुसार उनके लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में करें, परंतु इससे पहले शिखा को 5,000 रुपए प्रति माह वेतन तथा साझेदार की पूंजी पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज दें। वर्ष के दौरान राखी ने 7,000 रुपये तथा शिखा ने 10,000 रुपये आहरित किए। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप लाभ हानि विनियोग खाता तथा साझेदारों की पूंजी खाता बनाइए। इस प्रश्न में क्योंकि हमको लाभ हानि विनियोग खाता बनाने बोला है, यानी कि लाभ हानि नियोजन खाता ही बनाना है हमको, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो जैसे कि अभी तक के प्रश्नों में हमने देखा, सबसे पहले हम जो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहता है, प्रॉफिट या लॉस, उसकी एंट्री हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पर क्योंकि 2014-15 की समाप्ति पर लाभ दिया गया है 23,200 रुपये, तो उसकी एंट्री हम पहले कर लेंगे। तो ये हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि लाभ है फॉर्म का, तो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 23,200। और अब हम देखते हैं कि और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एक यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि एक तो सैलरी दी गई है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिखा को 5,000 रुपये प्रति माह वेतन देना है। तो क्योंकि ये व्यय है, और अगर हम जनरल एंट्री के बेस में भी देखें तो इस कंडीशन में हमारी जनरल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट। और क्योंकि 5,000 रुपये प्रति माह हमको देना है वेतन 12 माह के लिए, तो 60,000 60,000 की एंट्री यहाँ पर हम डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में करेंगे। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है, तो उसकी कैलकुलेशन करके हम यहाँ डेबिट में लिख देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर कैपिटल जो है राखी द्वारा लाई गई है 2 लाख रुपए की, जिसपे हमको 10% ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है, तो ये 20,000 राखी का इंटरेस्ट हो जाएगा। और 3 लाख की जो कैपिटल है वो शिखा के द्वारा लाई गई है, उसपे हमको 10% ब्याज देना है, तो ये 30,000 जो है वो शिखा के हिस्से का जो ब्याज है वो हो जाएगा। यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 हमको अमाउंट कॉलम में लिखना है। और हम इस प्रश्न में देख रहे हैं कि और किसी भी प्रकार की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दी गई है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखें, तो यहीं पर हम इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि डेबिट साइड के जो अमाउंट है वो ज्यादा है, यानी इसका जो टोटल है वो 1,10,000 है। इसमें हम क्रेडिट साइड का टोटल यानी 23,200 माइनस कर देंगे, तो 86,800 यहाँ पर
बैलेंस आ जाएगा, जो कि लॉस मानेंगे हम, डेबिट बैलेंस आ रहा है, और इसको हमको राखी और शिखा में बांटना है। अब क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट कर दिया गया है कि साझेदारी समझौते के अनुसार उनके लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में करें, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनको जो पूंजी है वो है 2,00,000 और 3,00,000, यानी 2:3, 3:2 का अनुपात हमको मिल जाएगा अगर हम इनका अनुपात निकालेंगे तो। तो ये जो अमाउंट है 86,800 की, इसको हम बांट देंगे 2:3, 2:3 में, तो राखी के हिस्से में आएगा 34,720 और शिखा के हिस्से में आएगा 52,080। यहाँ पे हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीन कॉलम जो बनते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर का कॉलम होगा, एक राखी का होगा और एक शिखा का, और बिल्कुल वैसे ही क्रेडिट में राइट साइड में भी तीन कॉलम बनेंगे, जिसमें एक पर्टिकुलर कॉलम होगा, एक राखी का होगा और एक शिखा का। सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे बैलेंस दिया गया है 2,00,000 और 3,00,000, तो ये बैलेंस हम ट्रांसफर कर लेते हैं क्रेडिट साइड में, कैपिटल बैलेंस है क्योंकि ये, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बीडी, राखी के हिस्से में 2,00,000 और शिखा के हिस्से में 3,00,000। फिर हम देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कि सैलरी दी गई है 60,000, किसके हिस्से की है वो सैलरी, शिखा के हिस्से की, तो शिखा के का जो अकाउंट है उसमें हम लिख देंगे 60,000 और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट 60,000। उसके बाद हमने देखा कि लास्ट में क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्ष के दौरान राखी ने 7,000 और शिखा ने 10,000 रुपये आहरण किया, तो ये जो विड्रॉल के अमाउंट है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो कहीं नहीं लिखेंगे, अगर इन पे कोई इंटरेस्ट होता तो हम लिखते, तो यहाँ पे ना तो इंटरेस्ट के बारे में कोई जानकारी दी गई है ना कैलकुलेट करके दिया गया है, तो इंटरेस्ट को हम अभी कुछ भी नहीं करेंगे, केवल हम ड्रॉइंग की जो अमाउंट है वो हम यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, तो हम केवल ड्रॉइंग के अमाउंट को ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि राखी ने जो विड्रॉल किया है वो 7,000 है और शिखा का विड्रॉल जो है वो 10,000 है, तो दोनों के हिस्से में हम 7,000 और 10,000 शिखा के हिस्से में लिख देंगे। अब क्योंकि पार्टनर कैपिटल से रिलेटेड कोई भी एंट्री यहाँ पर नहीं दी गई है, तो हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम देख रहे हैं कि ये डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, यानी कि लॉस शो कर रहा है, तो इसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जैसे कि हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने देखा कि राखी के हिस्से का जो बैलेंस है वो है 34,720, तो वो हम राखी के हिस्से में लिख देंगे, और 52,080 शिखा के हिस्से का बैलेंस है तो वो हम शिखा में लिख देंगे। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हमने बनाया तो हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमने कैलकुलेशन की, जो कि राखी के हिस्से में है 20,000 और शिखा में है 30,000, तो उसकी एंट्री हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में कर देंगे, और इससे रिलेटेड और कोई भी एंट्री यहाँ पर हमको दिखाई नहीं दे रही है इस क्वेश्चन में, तो यहीं पर हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब हम इनके बैलेंस देखें तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि शिखा और राखी दोनों के हिस्से में क्रेडिट बैलेंस जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। राखी के हिस्से का जो क्रेडिट टोटल है वो है 2,20,000 और इसमें से अगर हम माइनस कर दें डेबिट अमाउंट यानी कि 7,000 और 34,720, तो जो बैलेंस बचता है 1,78,280, ये हो जाएगा राखी के हिस्से का क्रेडिट बैलेंस। और ऐसे ही शिखा के हिस्से में हम देखें तो इसका क्रेडिट टोटल हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3,90,000, तो 3,90,000 में हम इसका डेबिट टोटल यानी कि 62,080 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमको बैलेंस मिलेगा 3,27,920, तो ये हम बैलेंस यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद हम डेबिट साइड में राखी और शिखा दोनों के अमाउंट को टोटल करके पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। लोकेश एवं आजाद
3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं, जिसमें उन्होंने क्रमशः 50,000 तथा 30,000 लगाए हैं। पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है तथा आजाद को ₹2,500 प्रतिवर्ष वेतन दिया जाता है। वर्ष 2002 में आजाद का वेतन निकालने के बाद लाभ की रकम ₹12,500 बनती है। उसमें लाभ की राशि का 5% भाग कमीशन के रूप में मैनेजर को दिए हैं। लाभ के विभाजन को दर्शाने वाला खाता तथा साझेदारों का पूंजी खाता तैयार कीजिए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमको लाभ हानि नियोजन खाता यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। जो भी जानकारियां दी गई है उसके अनुसार सबसे पहले हम देखेंगे कि साझेदारों के हिस्से के लाभ या हानि दिए गए हैं अथवा नहीं। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि वेतन निकालने के बाद का जो लाभ है वो ₹12,500 है और वेतन है 2,500, यानी अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल जो लाभ है वर्ष का वो हो जाता है 15,000। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और 15,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि पार्टनर्स कैपिटल के बारे में क्या जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर लोकेश और आजाद दोनों के हिस्से की कैपिटल दी गई है और 6% पर एनम इनमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ये जानकारी दी गई है। लोकेश के हिस्से में कैपिटल है 50,000 जिसपे हम 6% पर एनम इंटरेस्ट देंगे तो ये आ जाएगा 3,000 और आजाद के हिस्से में कैपिटल है 30,000 और इसपे अगर हम 6% इंटरेस्ट देंगे तो ये आ जाएगा 1,800, यानी टोटल 4,800 यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर सैलरी दी गई है, तो आजाद के हिस्से की जो सैलरी है वो क्योंकि हमने यहाँ पर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस लिख रहे थे क्रेडिट में तो वहाँ पे हम प्लस कर रहे थे क्योंकि हमको ये सारे डिडक्शन करने से पहले का प्रॉफिट चाहिए होता है, तो यहाँ पर अब फिर से हम डेबिट साइड में आजाद के हिस्से की सैलरी को लिख देंगे टू आजाद सैलरी अकाउंट 2,500। और अब एक नया पॉइंट जो इस क्वेश्चन में दिया गया है मैनेजरियल सैलरी से रिलेटेड, यहाँ दिया गया है कि उसमें लाभ की राशि का 5% भाग कमीशन के रूप में मैनेजर को दे है। तो यहाँ पर हम क्योंकि लाभ हमने कैलकुलेट किया था 15,000, उसका 5% हम मैनेजरियल कमीशन निकालेंगे और क्योंकि एक प्रकार का ये एक्सपेंस है फर्म के लिए तो इसको हम डेबिट साइड में लिख देंगे टू मैनेजर्स कमीशन। इसकी कैलकुलेशन को हम चाहे तो इनर कॉलम में यानी कि पर्टिकुलर कॉलम में शो कर सकते हैं, तो 15,000 का 5% हम 750 यहाँ पर अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे उनकी एंट्री हमने यहाँ पर कर दी है। अब हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे यानी कि 15,000 जो क्रेडिट साइड में है क्योंकि वो ज्यादा दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पे, इसमें हम डेबिट जो है 4,800 वो माइनस कर देंगे, सैलरी 2,500 माइनस कर देंगे और कमीशन 750 माइनस कर देंगे, तो बैलेंस हमको जो दिखता है 6,950, उसको हमको जो दो पार्टनर है लोकेश और आजाद उनको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो हम 6,950 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लोकेश को मिलेगा 4,170 और आजाद को मिलेगा 2,780। और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज हो जाता है। अब इसके बाद हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बना लेंगे क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि हम कैपिटल को फिक्स माने या फ्लैक्चुएटिंग। तो जैसे कि हमने देखा था कि ऐसे कंडीशन में जब कोई स्पष्ट जानकारी ना दी हो तो हमको कैपिटल को फ्लैक्चुएटिंग मानते हुए पार्टनर कैपिटल अकाउंट तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट का एक फॉर्मेट बना लेंगे और सबसे पहले हम इसमें वो बैलेंस ट्रांसफर करेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया रहता है। यहाँ दिया गया है बैलेंस लोकेश के हिस्से में 50,000 और आजाद के हिस्से में 30,000, ये हम बैलेंस लिख लेंगे यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था यानी कि इसके बाद अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी जानकारियाँ दी गई है
उन सभी जानकारियों को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर कर लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है 3000 लोकेश के हिस्से का और आजाद के हिस्से का 18000, वो हम लिख लेंगे यहाँ क्रेडिट में। सैलरी जो कि आजाद को देय होती है उसको हम लिख लेंगे बाय सैलरी अकाउंट आजाद के हिस्से में 2500। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंस दिया गया है, बैलेंस हमने जो कैलकुलेट किया है उसको हम लिख लेंगे क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4170 एंड 2780। और एक चीज हमको ध्यान में रखना है क्योंकि मैनेजरियल कमीशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है लेकिन उसको हमको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कहीं पे भी नहीं लिखना है क्योंकि ये जो अकाउंट है ये केवल पार्टनर्स का अकाउंट है। तो यहीं पे हम इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। और क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके डेबिट साइड में किसी प्रकार की कोई अमाउंट नहीं दी गई है तो क्रेडिट का जो टोटल अमाउंट है वही पूरा का पूरा बैलेंस डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो लोकेश के में जो टोटल अमाउंट है वो है 57,170, वो हम पूरा का पूरा ट्रांसफर कर लेंगे डेबिट में। और आजाद के हिस्से का जो टोटल अमाउंट है क्रेडिट का वो है 37,080, वो हम पूरा का पूरा ट्रांसफर कर लेंगे डेबिट में। तो यहाँ डेबिट में हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी लोकेश के हिस्से में 57,170 और आजाद के हिस्से में 37,080 और यहाँ पर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। एक्स वाई और जेड परस्पर साझेदार हैं। 1 जनवरी 2007 को उनकी पूंजी क्रमशः 20,000, 12,000 और 4,000 रुपए थी। 1 जुलाई 2007 को वाई 2,000 रुपए लाया। पूंजी पर 5% वार्षिक की दर से ब्याज दिए हैं। जेड को 800 रुपए प्रति वर्ष वेतन पाने का अधिकार है जो कि 600 रुपए तो एक्स के लाभ में से और 200 रुपए वाई के लाभ में से दिए हैं। ब्याज देने के पश्चात लाभ का वितरण निम्न प्रकार होता है। प्रथम 4,000 रुपए में से 5:4:1 के अनुपात में, अगले 4,000 रुपए में से 9:8:3 के अनुपात में और शेष राशि से 8:7:5 के अनुपात में। ब्याज देने के पूर्व वर्ष 2007 में फर्म को 12,250 रुपए का लाभ हुआ था। साझेदारों के बीच लाभ के विभाजन का विवरण तैयार कीजिए। इस प्रश्न में हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और साथ में एक स्टेटमेंट बनाना है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को शो करेगा क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग स्टेप बना दिए गए हैं जैसे कि आप प्रश्न में देख रहे हैं। तो उसको हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट ना करके एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि साझेदारों का लाभ हानि नियोजन खाता बना लेते हैं। अब तक के प्रश्नों में जैसे कि हमने देखा कि जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो 4 कॉलम का एक फॉर्मेट हम बनाते हैं जिसमें एक पक्ष यानी बाएं पक्ष में डेबिट और दाएं पक्ष में क्रेडिट होता है। और सबसे पहले हम प्रश्न में ढूंढते हैं कि क्या वर्ष के दौरान का लाभ कहीं पर दिया गया है। अब क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष में लाभ जो है वो 12,250 रुपए है, 12,250 है, सबसे पहले हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 12,250। फिर हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जो एक्स वाई जेड साझेदार है उनके कैपिटल है 20,000, 12,000, 4,000 और उस पर हमको इंटरेस्ट भी देना है 5%। तो हम X को 20,000 की कैपिटल पे 5% इंटरेस्ट देंगे तो ये हो जाएगा 1,000 A का और इसको हम डेबिट साइड में लिखते चलेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A का है 1,000। B के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर कि B जो है वो 12,000 की कैपिटल लाया है तो B को जब हम 5% कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे तो वो हो जाएगा 600। लेकिन हमको यहाँ पर और चीज एक ध्यान में रखना है कि Y ने वर्ष के मध्य में भी पूंजी लाई है यानी कि 1 जुलाई को भी वो पूंजी लाया है तो ये 12,000 पे 600 तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा,
साथ में क्योंकि उसने 1 जुलाई को 2000 और कैपिटल लाई है, तो जुलाई टू दिसंबर यानी कि 2000 का 5% 6 मंथ का यानी 50 रुपीज उसको और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है। तो इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे तो बी के हिस्से का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हो जाएगा 650। और उसके बाद हम जेड के हिस्से का कैपिटल देखते हैं, तो जेड ने लाई है 4000 की कैपिटल, इस पे हम 5% इंटरेस्ट देंगे तो ये हो जाएगा 200। और टोटल जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो हो जाएगा 1850। अब यहाँ पर किसी प्रकार के विड्रॉल की कोई जानकारी नहीं दी गई है। एक चीज हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जेड जो कि 800 रुपए प्रति वर्ष वेतन पाने का अधिकारी है, उसको हम डायरेक्ट फॉर्म से ना देके एक्स के लाभ में से 600 रुपया देते हैं और वाई के लाभ में से उसको 200 रुपया देते हैं। तो हम इसको आगे चल के फॉर्मेट में एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो यहाँ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज हो जाता है और इसमें हम अभी हमने 12,250 की जो एंट्री क्रेडिट में की थी उसमें से हम डेबिट का 1850 माइनस कर देंगे तो हमको बैलेंस मिलता है 10,400। अब इस 10,400 को हम इनका जो रेशियो है उस पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 10,400 रुपये का जो टोटल है यानी इनका जो बैलेंस आया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, प्रॉफिट जो कि हमको कैपिटल में ट्रांसफर करना है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ स्टेप बताए गए हैं। अब इसके लिए हम एक स्टेटमेंट तैयार कर लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और इसमें हम एक पर्टिकुलर का कॉलम ले लेंगे और 3A, B और C का हम कॉलम ले लेंगे तीनों पार्टनर का। और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सबसे पहले इस 10,400 में से फर्स्ट 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स वाई और जेड में 5:4:1 में, तो ये आ जाएगा एक्स में 2000, वाई में 1600 और जेड में 400। नेक्स्ट जो 4000 है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 9:8:3 में, तो ये आ जाएगा x में 1800, y में 1600 और z में 600। और उसके बाद बैलेंस हम देखते हैं कितना बचता है, तो 10,400 में 8,000 को तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब बचा 2,400, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 8:7:5 पे, तो ये आ जाएगा 960 x में, 840 y में और 600 z में। टोटल ये हो जाएगा x के हिस्से का जो बैलेंस है 4,760, y के हिस्से में आ जाएगा 4,040 और z के हिस्से में आ जाएगा 1,600। अब क्योंकि हमने प्रश्न में देखा था कि z को जो 800 की सैलरी देनी है उसको x के हिस्से से के लाभ का जो हिस्सा है उसमें से देंगे हम 600 और y का जो लाभ का हिस्सा है उसमें से हम देंगे 200, तो x में से माइनस कर दें 600 और y में से माइनस कर दें 200, तो यहाँ पे जो बैलेंस बचता है वो हो जाता है 4,160 x के हिस्से का, 3,840 y के हिस्से का और 1,1600 z के हिस्से का। तो क्योंकि यहाँ पर z को कुछ सैलरी के रूप में इसको कुछ प्राप्त हो रहा है तो z के हिस्से का जो टोटल यहाँ पर आ रहा है 1600 उसमें हम 800 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,400। तो यानी कि यहाँ पर हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो यहाँ पर ट्रांसफर के लिए बैलेंस दिख रहा है वो x के हिस्से में हो जाएगा 4,160, y के हिस्से में हो जाएगा 3,840 और z के हिस्से में हो जाएगा 2,400। बसंत एवं विष्णु एक पब में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2007 को उनकी पूंजी क्रमशः 25,000 और 20,000 रुपए थी। उन्हें पूंजी पर 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है तथा उनके आहरणों पर 12% ब्याज लगाया जाता है। बसंत ने 1 जुलाई 2007 को 10,000 फर्म को ऋण के रूप में दिए। विष्णु 5,000 रुपए वार्षिक वेतन पाने का अधिकारी है। उनके आहरणों पर क्रमशः 600 और 500 रुपए लगाया गया। 31 दिसंबर 2007 को समाप्त वर्ष का लाभ उपर्युक्त समायोजन के पूर्व 2,500 रुपए था।
वर्ष 2007 का लाभ हानि नियोजन खाता तथा साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए। इस प्रश्न में हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है कि वर्ष का लाभ कितना था समायोजन के पूर्व, 25,000। तो इस 25,000 को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख लेंगे। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी 25,000। फिर हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या इंटरेस्ट ऑन लोन, इस तरह की कोई अमाउंट दी गई है क्या। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि वसंत और विष्णु की जो कैपिटल है 25,000 और 20,000, उस पे यहाँ पर इंटरेस्ट दिया गया है 8% पर एनम। उस इंटरेस्ट को हम यहाँ पर लिख लेंगे डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वसंत के हिस्से में 25,000 का 8% 2,000 और विष्णु के हिस्से में 20,000 का 8% 1,600। तो टोटल 3,600 यहाँ पर आ जाएगा डेबिट साइड में। फिर हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी दिया गया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की हमको कैलकुलेशन यहाँ पर करने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि वो कैलकुलेट करके दे दिया गया है। तो क्योंकि ये हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, तो क्रेडिट में यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बसंत के हिस्से में 600 और विष्णु के हिस्से में 500, यानी टोटल 1100। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक लोन की अमाउंट एक यहाँ पर दी गई है, उसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर लेंगे। 10,000 जो है वो लोन के अमाउंट है, फर्म 1 जुलाई 2007 को 10,000 रुपए का ऋण के रूप में फर्म को दिया है बसंत ने। तो क्योंकि उसने फर्म को ऋण दिया है तो उसको कुछ ब्याज मिलेगा, और ऋण पर ब्याज के लिए क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है तो हम 6% पर एनम ऋण पर ब्याज देंगे, जैसे कि हमने रूल में देखा था। तो हम 10,000 का 6 मंथ का 6% ब्याज कैलकुलेट कर लेंगे, 10,000 इंटू 6 अपॉन 12 इंटू 6 अपॉन 100 इक्वल टू 300। तो ये हम दे देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बसंत के हिस्से का, और इसको हम यहाँ पर 300 लिख देंगे। उसके बाद सैलरी के बारे में क्वेश्चन में दिया गया है कि सैलरी को हम विष्णु को हम सैलरी दे रहे हैं, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर डेबिट साइड में कर देंगे, टू सैलरी टू विष्णु 5,000। और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो भी अमाउंट यहाँ पे, जो भी यहाँ पर मदद दी गई थी, सब हमने लिख ली है। अब हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे। तो बैलेंस निकालेंगे तो हम देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड में इसका जो टोटल है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है हमको, यानी 26,100 है। इसमें से हम डेबिट बैलेंसेस को माइनस करते जाएंगे, जैसे 3,600 फिर 300 फिर 5,000, ये हमने माइनस कर दिए, तो हमको यहाँ पर बैलेंस मिलता है 17,200। अब क्योंकि दोनों बराबर के अधिकारी हैं तो बसंत और विष्णु दोनों में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये प्रॉफिट 8,600 बसंत के हिस्से में और 8,600 विष्णु के हिस्से में आ जाएगा, और यहीं पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर कि फर्स्ट डेबिट साइड में हम 3 कॉलम यहाँ बनाएंगे, पर्टिकुलर बसंत के हिस्से के अमाउंट और विष्णु के हिस्से के अमाउंट के लिए, और सेम ऐसे ही हम क्रेडिट साइड में 3 कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर और बसंत और विष्णु के अमाउंट को लिखने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बैलेंस जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम ट्रांसफर कर लेंगे यहाँ बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि प्रॉफिट बैलेंस यहाँ पे दिया गया है, बसंत के हिस्से में है 25,000 और विष्णु के हिस्से में है 20,000। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था, उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर लेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 बसंत के हिस्से में और विष्णु के हिस्से में 1,600। फिर हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो हमने देखा था कि प्रॉफिट बसंत और विष्णु के हिस्से में जो आ रहा है वो आ रहा है 8,600 और 8,600। एक सैलरी का पॉइंट हमने यहाँ पर देखा था, विष्णु को हमने सैलरी दी है 5,000, उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर लेंगे बाय सैलरी 5,000। अब विड्रॉल के बारे में एक महत्वपूर्ण बात, एक जो नई बात इस प्रश्न में हमको देखने को मिलती है वो ये है कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो कैलकुलेट करके दे दिया गया है, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो कहीं ना कहीं विड्रॉल की भी अमाउंट, ड्रॉइंग की भी कोई अमाउंट होगी। तो पहले हम उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्योंकि ब्याज जो है आहरण पर वो 12% चार्ज किया गया था, 12% इंटरेस्ट चार्ज किया गया था ड्रॉइंग पे,
और उसकी अमाउंट बसंत के हिस्से की 600 आई थी। यानी कि वो कौन से अमाउंट है जिसपे अगर हम 12% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो उसका इंटरेस्ट जो है वो 600 आता है। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे बसंत के हिस्से की 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12, यानी 5000 विड्रॉल के अमाउंट बसंत के हिस्से की है। और सेम ऐसे ही हम विष्णु के हिस्से के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। विष्णु को एक ड्रॉविंग की जो अमाउंट है उस पर 500 इंटरेस्ट मिला जबकि 12% इंटरेस्ट चार्ज किया गया। तो सिंपल हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, 500 इंटू 100 अपॉन 12 यानी 4167। तो यहाँ पे हमको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग की अमाउंट तो दी गई थी, हमको एक्चुअल ड्रॉविंग की अमाउंट कैलकुलेट करनी थी जो कि हमने कैलकुलेट कर ली, बसंत के हिस्से की 5000 और विष्णु के हिस्से की 4167। इसकी एंट्री हम यहाँ पर कर लेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग लिखा हुआ है उसकी एंट्री हम कर लेंगे, बसंत के हिस्से में 600 और विष्णु के हिस्से में 500। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमको जो एंट्रीज करनी चाहिए थी वो सारी एंट्री हमने यहाँ पर कर ली। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बसंत के हिस्से में क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज्यादा है। तो ये टोटल हम कर लेते हैं 35,600 हमको मिलता है, इसमें हम डेबिट को माइनस कर दें यानी 5,000 और 600 को माइनस कर दें तो टोटल यहाँ पर हमको बैलेंस जो मिल जाता है वो 30,000 मिल जाता है बसंत के हिस्से का। और वैसे ही हम देख रहे हैं कि विष्णु के हिस्से का टोटल 35,200 है, इसमें हम विष्णु का डेबिट बैलेंस यानी 4,167 माइनस कर दें, 500 माइनस कर दें तो बैलेंस विष्णु के हिस्से का हो जाता है 30,533 रुपीस। और फिर हम टोटल करके बसंत के हिस्से का जो टोटल है वो है 35,600, विष्णु के हिस्से का जो टोटल है वो है 35,200 और इस तरह से हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं।